वेलकम एवरीवन, टीचिंग जॉब समर चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पे डेली बेस पे जितना भी टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता है वो मैं अपलोड करता हूँ। एंड हम लोग का एक फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग वहाँ पे इजीली जुड़ सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट। लिंक इन द गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट आया है इस साल का, सैलरी बहुत ही अच्छा प्रोवाइडेड दे जा रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा के बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करके बताऊंगा कहां से आया है। तो सब इस वीडियो में आखिर तक आप सब लोग देखते रहिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द अपकमिंग वैकेंसीज। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी डिटेल्स। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे TGT के लिए बहुत ही अच्छा सैलरी प्रोवाइडेड हो रहा है, 30,000। उसके बाद PGTs के लिए भी बहुत ही अच्छा सैलरी प्रोवाइडेड हो रहा है, 40,000 से 30,000 लगभग आप लोगों को मिल रहा है। उसके बाद आप लोग थोड़ा देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसीज़ है कि नहीं है। देखिए तेलुगु, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िकल साइंस, बायोलॉजी, देन सोशल स्टडीज़, हिंदी, आर्ट, कंप्यूटर, काउंसिलर, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तेलुगु, जनरल स्टडीज़। तो बहुत सारा वैकेंसियाँ हैं यहाँ पे, हर एक सब्जेक्ट लगभग ऑल सब्जेक्ट्स कवर अप है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए, TGT सभी TGTs है, उसके बाद PGTs भी है। यहाँ पे नंबर 2, उसके बाद 3। तो आप लोग वन बाय वन यहाँ पे वैकेंसीज देख लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट को क्वालिफिकेशंस क्या क्या है मैं बता देता हूँ। जितना भी TGTs हैं उन लोगों के लिए आप लोगों को मिनिमम ग्रेजुएशन विद 60% नंबर होना चाहिए विद BEd मस्ट। मतलब आप लोग जितने भी BEd कंप्लीट हो गया है उन लोग ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर द TGT पर्सन के लिए। आर्ट के लिए आप लोग को मिनिमम मास्टर डिग्री होना चाहिए इन ड्राइंग में एंड 5 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर के लिए मास्टर डिग्री MCA और BTech कंप्यूटर्स में रहना होगा। उसके बाद आप लोग को काउंसिलर के लिए MA साइकोलॉजी में, उसके बाद काउंसिलर के लिए लगेगा इंग्लिश के लिए मिनिमम आप लोगों को जो मास्टर डिग्री होना चाहिए मास्टर डिग्री रहना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों को 60% होना चाहिए। एंड आप लोगों को BEd मस्ट, मतलब आप लोगों को BEd होना ही पड़ेगा एंड मस्ट क्वालिफाई प्रेफरेबली CET और TTET। मतलब जिन लोग ने CTET और TET क्वालिफाई किया है उन लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो देखते हैं ये कहाँ से आया है। ये हम लोग का यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से आया है। यहाँ पे दो स्कूल है, आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे कि TSW एंड TTW। इसका मतलब यही है कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक स्कूल है, एक स्कूल का नाम है TTW आर्ट सैनिक स्कूल और एक तो नाम है TSW आर्ट सैनिक स्कूल। मतलब यहाँ पे दो स्कूल है, एक है हम लोग का अशोकनगर पे एंड दूसरा है हम लोगों का करीमनगर पे। ये दोनों स्कूल अवेलेबल है। फ्रॉम क्लासेस कौन सा आप लोग देख लीजिए कि क्लासेस 6 to 12 तक आप लोगों का क्लासेस जो है आप लोगों को पढ़ाना है। सो बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है, सभी पेपर्स के लिए अवेलेबिलिटी है एंड TGT, उसके बाद PGT भी है, उसके बाद कंप्यूटर टीचर भी है, आर्ट टीचर, काउंसिलर। सो बहुत सारा वैकेंसी है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्योर आप लोग देख लीजिए, दो स्कूल है मैंने आप लोग को पहले ही बताया है। वो दो स्कूल में पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देने के लिए आप लोग को 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल हम लोग का वेबसाइट है। इस वेबसाइट का जो लिस्ट डिस्क्रिप्शन है वो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आप लोगों को एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के होने के बाद आप लोगों को एक 1:2 इंटरव्यू होगा, मतलब एक पर्सनल राउंड इंटरव्यू होगा। एंड आप लोगों का जो उसके बाद आप लोगों का एक डेमो सेशन होगा, डेमो सेशन के बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट निकाल के फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑल डिटेल्स, प्रेस नोटिफिकेशन, लास्ट ऑफ डेट एप्लीकेशन, डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, इंटरव्यू डेट, डेमो डिस्प्ले, फाइनल सिलेक्शन, सभी लोग आप लोग देख पा रहे हैं। एक खास बात, जो डेट हम लोग का है एप्लीकेशन वो देखिए आप लोग यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है, जो कि 17 अप्रैल से शुरू हुआ है एंड 5 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद ही आप लोगों को एवरीथिंग डिटेल्स मिल जाएगा, एप्लीकेशन, डेट ऑफ इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू, डेमो एंड डिस्प्ले फॉर द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, सभी लोग आप लोगों को वन बाय वन मिल जाएगा। तो जो डेट है वो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, तो अकॉर्डिंग आप लोग इजीली अप्लाई कर पाएंगे। बात तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। उसके बाद लेकिन ये आप लोग को ऑफिशियली यही नोटिफिकेशन है,
आप लोग इस नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेके आप लोग बाकी डिटेल्स भी आप लोग देख पाएंगे। तो ये है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे दो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे गया है, आप लोग देख पाएंगे। ये वाला एक फर्स्ट वेबसाइट है एंड सेकेंड वन दिस वेबसाइट। मैं ये दोनों वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इजीली देख पाएंगे एंड आप लोग इजीली अप्लाई कर पाएंगे। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट एवरी टीचिंग वैकेंसी एंड ऑल्सो ज्वाइन माय फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।